जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव के पास उतार चढ़ाव के कट की मांग को लेकर पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की बड़ी मांग को आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका धरना खत्म करवाया। बातचीत के दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीणों की मांगों को समझते हुए कट की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। बहुत लंबे समय से जो फरीदाबाद से दिल्ली बड़ौदरा बॉम्बे हाईवे से तो जेवर एयरपोर्ट को ग्रीन एक्सप्रेसवे के द्वारा जोड़ा गया है, वो वाया मोहना निकाला गया था। तो यहाँ इलाके की मांग थी कि यहाँ हमारे मोहना में आसपास के 30-40 गांव हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब तो इस हाईवे का इस इलाके को फायदा होगा। उनकी जायज मांग थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस पर सहमति भी जताई थी और सब उन्होंने प्रयास किया। आज वो उनकी मांग लंबे समय के धरने के बाद, क्योंकि चुनाव आ गया लोकसभा का, फिर विधानसभा का आ गया, तो दिवाली से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उन बातों को मानते हुए उसको मंजूरी दे दी है। ये उनका जो बड़ा दिल है, उन्होंने हमारे क्षेत्र पर इतनी बड़ी कृपा की है। जो उतार चढ़ाव मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो नैनपाल जी ने मांग रखी थी, मंत्री जी मौके पे थे पनेरा गांव में, और उसमें खट्टर जी ने इसकी मांग को पास किया था, किन्हीं कारणों से लेट हो गया था और हमारे में बीच में कुछ गलत फहमी हो गई थी, विश्वास नहीं था कि मंत्री जी उतार चढ़ाव को बनवाएंगे। उसके ऊपर लोग धरना पर चले गए और धरना पर जाने के बाद जो मुँह में आई जिसकी मैं वो बात रखी, कुछ गलत कांग्रेसियों ने एक हवा फैलाई, कुछ कांग्रेसियों ने एक हवा फैलाई कि 700 किला मंत्री जी ने उतार चढ़ाव पे खरीद लिए हैं, उसी बात को हमने रखने का काम किया। परंतु बाद में हमें जब पता चला कि भी मंत्री जी ने कोई जमीन नहीं खरीदी, कोई किला नहीं खरीदा, ये केवल कांग्रेस वालों ने एक अफवाह बनाई है। जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन हाईवे पर उतार चढ़ाव के कट की मांग को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इससे स्थानीय लोगों को हाईवे पर आवागमन में सुविधा मिलेगी और फरीदाबाद के विकास की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव के पास उतार चढ़ाव के कट की मांग को लेकर पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की बड़ी मांग को आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका धरना खत्म करवाया। बातचीत के दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीणों की मांगों को समझते हुए कट की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। बहुत लंबे समय से जो फरीदाबाद से दिल्ली बड़ौदरा बॉम्बे हाईवे से तो जेवर एयरपोर्ट को ग्रीन एक्सप्रेसवे के द्वारा जोड़ा गया है, वो वाया मोहना निकाला गया था। तो यहाँ इलाके की मांग थी कि यहाँ हमारे मोहना में आसपास के 30-40 गांव हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब तो इस हाईवे का इस इलाके को फायदा होगा। उनकी जायज मांग थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस पर सहमति भी जताई थी और सब उन्होंने प्रयास किया। आज वो उनकी मांग लंबे समय के धरने के बाद, क्योंकि चुनाव आ गया लोकसभा का, फिर विधानसभा का आ गया, तो दिवाली से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उन बातों को मानते हुए उसको मंजूरी दे दी है। ये उनका जो बड़ा दिल है, उन्होंने हमारे क्षेत्र पर इतनी बड़ी कृपा की है। जो उतार चढ़ाव मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो नैनपाल जी ने मांग रखी थी, मंत्री जी मौके पे थे पनेरा गांव में, और उसमें खट्टर जी ने इसकी मांग को पास किया था, किन्हीं कारणों से लेट हो गया था और हमारे में बीच में कुछ गलत फहमी हो गई थी, विश्वास नहीं था कि मंत्री जी उतार चढ़ाव को बनवाएंगे। उसके ऊपर लोग धरना पर चले गए और धरना पर जाने के बाद जो मुँह में आई जिसकी मैं वो बात रखी, कुछ गलत कांग्रेसियों ने एक हवा फैलाई, कुछ कांग्रेसियों ने एक हवा फैलाई कि भाई 700 किला मंत्री जी ने उतार चढ़ाव पे खरीद लिए हैं, उसी बात को हमने रखने का काम किया। परंतु बाद में हमें जब पता चला कि भी मंत्री जी ने कोई जमीन नहीं खरीदी, कोई किला नहीं खरीदा, ये केवल कांग्रेस वालों ने एक अफवाह बनाई है। जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन हाईवे पर उतार चढ़ाव के कट की मांग को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
इससे स्थानीय लोगों को हाईवे पर आवागमन में सुविधा मिलेगी और फरीदाबाद के विकास की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।